नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी दुनिया विलेज लाइफ पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी चटपटी और तीखी मिर्च जिससे देखकर ही आपको भूख लग जाएगी। यहाँ मित्रों बहुत ही टेस्टी मिर्च बनने वाली है और यह है दही वाली मिर्च। अभी तक आपने फ्राई करके मिर्च खाई होगी या फिर मेरी मिर्च के अचार की रेसिपी मैंने अपलोड करी है चैनल पर, आप जाकर उसे जरूर देखिए। और यह भी एक प्रकार से मिर्च है तो आप जरूर बनाइए, पराठे रोटी के साथ एंजॉय करिए। चलिए हम देख लेते हैं इस मिर्च को बनाने हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमने ले ली है एक प्लेट मिर्च, और ये मिर्च जो है मोटी वाली मिर्च है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, तीखी वाली नहीं है, यानी ये बहुत कम तीखी होती वही वाली मिर्च है ये। यदि आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तीखी वाली मिर्च भी ले लीजिए। और इसे हमने अच्छे से धुल करके साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया था, फिर बीच से चीरा लगा लिया। देखिए बीस से एक कट लगा लेना है आपको। आप चाहे तो इसके टुकड़े अलग कर सकते हैं या फिर इस तरह जैसे मैंने काटा उस तरह से काट सकते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारे मिर्च। और उसके बाद हमने लिया है आधा चम्मच जीरा और राई यानी कि सरसों, जिसे मस्टर्ड सीड भी कहा जाता है। अब देखिए मसालों में क्या डालने वाले हैं हम। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये नमक, ये सौंफ पाउडर। जी हाँ मित्रों, सौंफ को पीस करके आपको पाउडर तैयार कर लेना है। और ये थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हमने बता दिया कि मिर्ची बहुत तीखी नहीं है, नॉर्मली है। इसमें हम दही के डालकर बनाएंगे, इसलिए इन्हेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा मिर्ची डालना पड़ेगा। और ये है अमचूर पाउडर। फिर और सबसे जो लाजवाब इन्ग्रीडियंट इसका है वो दही है, इसलिए मैंने आधी कटोरी दही ली है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन ले लीजिए, पैन को आप गर्म करिए, उस पर डाल दीजिए सरसों का तेल। जी हाँ मित्रों, सरसों के तेल में बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा सजेस्ट किया करती हूँ कि आप कुछ भी बना रहे हो, सब्जी हो, अचार हो, जो भी हो, सब प्रकार का आइटम, तो आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। तो मित्रों सरसों का तेल हमने डाल दिया है, पैन भी गर्म हो रहा है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये हमारा तवा है जिससे मैं रोटी बनाती हूँ, और मैं बहुत सारी सब्जियाँ और डिशेज अपने तवे पर ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये छोटा भी है और जल्दी से बन भी जाता है। मुझे बढ़िया लगता है तवे पर बनाई हुई सब्जी जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा होता है तो बहुत बढ़िया स्वाद आता है और लोहे का बर्तन होता है। हाँ मित्रों, आपको बात बताना चाहूँगी, यदि आप मिर्ची बना रहे हैं तो आप एल्युमिनियम के बर्तन में ना बनाएं, क्योंकि इसमें खट्टा पड़ता है, दही पड़ता है, तो उसका स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए आप उसको बनाए भी तो उसी बर्तन में तुरंत दूसरे बर्तन तुरंत उसको आप खाली कर लीजिए। और यदि आप इसे सही तरीके से बनाते हैं तो फ्रिज में रखकर आप 15 दिन खा सकते हैं, बाहर रखते हैं तो आप 5-6 दिन से खा सकते हैं। चलिए इस प्रकार चटपटी मिर्च बनाते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसे हम जीरा और ये जो हमारा मस्टर्ड सीड था ना उसे डाल देते हैं। सरसों के चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी ये हरी मिर्च, जो कि हमने एकदम साफ धुल करके पोंछ करके तैयार करी है, और उसे इस प्रकार से चम्मच से चलाएंगे। इस मिर्च को पकने में 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही आप इस मिर्च को बनाइए और फटाफट इसके साथ आप रोटी हो या पराठा हो एकदम मजे के साथ खाइए। तो मित्रों उसके बाद जो हमारे सारे मसाले हैं ना, इसलिए सौंफ पाउडर हो गया उसको डाल देंगे हम, ये मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डालेंगे इसमें, फिर ये हमारा धनिया पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर, ये अमचूर, नमक, सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। डाल करके इसमें आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आपको इसे ढककर नहीं पकाना, बहुत टाइम लगेगा, आप देखेंगे कि ऐसे ही आपका ये मिर्च चटपटा सा तैयार हो जाएगा, तुरंत तैयार होने वाला है। जब आप इसे चलाते रहें और अच्छे तरीके से ध्यान दें मसाले जलने ना पाए। जब आपने सारे मसाले इसमें डाल दिए तो आपको क्या करना है, हमारी जो मुख्य सामग्री दही, और दही को इसमें हमें डाल देना है। ये देखिए दही को डालने के बाद थोड़ा सा पानी रहता है ना आपके मिर्च में, तो आप क्या करेंगे पानी को पूरा सूखने तक आपको पका लेना है। तो पानी आपका सूख जाएगा तो मिर्च भी पक जाएगी। ये देखिए मिर्च हमारी पक चुकी है, 5 मिनट के अंदर आपकी चटपटी सी स्वादिष्ट मिर्च तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकालूंगी और निकाल करके बनाऊंगी पराठे। भाई वैसे भी आज का जो हमारा लंच है उसमें है दाल फ्राई, कद्दू आलू की सब्जी यानी भंडारे वाले सब्जी, चावल। मेरी बेटी ने डिमांड करी कि पराठे बनाए रहे हैं हम, और ये स्वादिष्ट मिर्ची है इसके साथ पराठे, फिर हम लोग इंजॉय करने वाले हैं इस लंच का। आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मिर्ची कैसे लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे बनाइए खाइए। थैंक यू, बाय बाय।